ताकि ये मैसेज लोगों तक पहुंचे, और आपका हक बनता है कि आप लोग इसी अंदाज के साथ लोगों को समझाएं इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से। ये जुमे भी हमारे रिकॉर्ड होते हैं, जिसको ये चाहिए वो भी मिल सकती है अल्लाह के फजल व करम से। सुने, लोगों को समझाएं, लोगों तक वो मैसेज वो पैगाम पहुंचाएं। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कोई ना कोई ऐसी बात करके बात को समझाया जाए जैसे आपको आसानी के साथ समझ आ जाए, आसानी के साथ, बहुत ही सादे से अल्फाज में। और इंशाल्लाह हमने अल्लाह के मकसद की तकमील के लिए सारे के सारे काम करने। अब इबादत जो ना, इबादत अल्लाह ने फरमाया वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन और इंसानों की तखलीक इसलिए की कि वो मेरी इबादत करें। अब जरा लफ्ज इबादत का माना समझ लीजिए, इबादत का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं है। इबादत का मतलब हम लेते ना कि नमाज पढ़ने इसे ही सिर्फ इबादत कहते हैं, ज़कात अदा करने सिर्फ इसे ही इबादत कहते हैं, हज की अदायगी करने इसे ही सिर्फ इबादत कहते हैं। नहीं, लफ्ज इबादत की तारीफ अपने दिलो दिमाग के अंदर बिठा के जाइएगा। इबादत का मफहूम बड़ा वसी है। इबादत के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? अब इबादत की तारीफ नोट कीजिएगा, हर वो अमल जो इंसान अल्लाह की खुशनुदी के लिए अल्लाह को राजी करने के लिए करता है वो अमल क्या है? इबादत है। उसमें नमाज भी है, उसमें जकात भी है, उसमें सदका खैरात भी है, उसमें कुरान की तिलावत भी है, उसमें जिक्र इलाही भी है, उसमें इंसानियत की खिदमत करना भी है, उसमें एक दूसरे की मदद करना भी है, उसमें वालिदैन के हकूक की अदायगी भी है, उसमें बच्चों के हकूक की अदायगी भी है, उसमें पड़ोसियों के हकूक की अदायगी भी है, उसमें अहले मोहल्ला के हकूक की अदायगी भी है, उसमें लेन देन की अदायगी भी है, उसमें दुकानदार जो सौदा बेचता है पूरी अमानतदारी के साथ वो भी इबादत के जुमरे में आता है। अगर कोई लोग कोई जमात जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह सलीम टाउन के अंदर निकलती है, चंद अफराद पे मुश्तमिल होकर लोगों को दीन की दावत देती है, ये दीन की दावत देना भी इबादत है। इंसान मखलूक के खुदा की खिदमत करता है तो ये भी इबादत है। इंसान बीमार की दिमागदारी करता है अल्लाह की रजा के लिए, ये भी इबादत है। इंसान जो भी नेक अमल करता है अल्लाह की रजा के लिए वो सारे के सारे क्या है भाई? इबादत। अब इबादत का मफहूम एक नहीं रहा, नमाज भी इबादत है, तिलावत भी इबादत है, जिक्र भी इबादत है, दुआ भी इबादत है, लोगों को नेकी की दावत देना भी इबादत है, मियां बीवी दूसरे के हकूक पूरे करते हैं ये भी इबादत है, वालिदैन औलाद और औलाद वालिदैन के हकूक पूरे करते हैं ये भी इबादत है, दुकानदार दुकान पे बैठ के लोगों को धोखा नहीं देता, सच बोलता है, अमानतदारी के साथ सौदा बेचता है ये भी इबादत है। एक शख्स सुबह फजर की नमाज पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, सुबह सुबह निकल जाता है मजदूरी करने के लिए, सुबह से लेकर शाम तक बाटा उठाता है, ईंटें उठाता है, ये ईंटें उठाना भी, ये मेहनत करना भी, हलाल रिज़्क कमाना भी इबादत के अंदर शामिल है। ये सारे हमारी इबादत के अंदर शामिल, आपका मस्जिद के अंदर चल के आना अल्लाह की रजा के लिए ये भी इबादत है, आपका यहां बैठ के जुमा पढ़ना ये भी इबादत है। इंसान अगर देखे तो इंसान की पूरी जिंदगी रब की इबादत में लग सकती है, रब की इबादत में खर्च हो सकती है। अगर इंसान सही मानों में इस बात को सोच ले तो इंसान कभी भी बुराई के करीब ना जाए, कभी भी बुराई के करीब ना जाए। हकीकी बात, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने बता दिया है कि मैंने जिन और इंसानों की तखलीक इसलिए की कि वो मेरी इबादत करें। अब ये मकसद है और इस मकसद के लिए हमने मेहनत करनी है अल्लाह के फजल व करम से इंशाअल्लाह। हमने खुद भी वुजू करना है, नमाज भी पढ़नी है, लोगों को तलकीन भी करनी है, लोगों को दावत भी देनी है, लोगों को समझाना भी है, लोगों को बताना भी है, दुकान के ऊपर बैठकर अमानतदारी के साथ हमने सारे मामला सर अंजाम देने हैं।
मैं सुन्नत रसूल मुंह पे सजाता हूँ, अल्लाह की रजा है, पैगंबर मुस्तफा की सुन्नत है, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को सामने रखते हुए चेहरे पे सुन्नत रसूल सजाता हूँ, तो यह भी इबादत है। मेरा लिबास, मेरी चाल, मेरी ढाल, इनकी सारी इसके अंदर है, तो यह भी इबादत है। इबादत का मफहूम बड़ा वसी है। इंशाअल्लाह हमने अपना सारे का सारा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारना।